हड़ताल के चक्कर में संजय गांधी अस्पताल वेंटिलेटर पर। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान पर आफत आ चुकी है। अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर एवं नर्सेज एक साथ हड़ताल पर चले गए हैं, जिनके भरोसे पूरे अस्पताल का संचालन होता था। जब वही नहीं रहेंगे तो इलाज कौन करेगा। विंध्य क्षेत्र की जीवनदायिनी संजय गांधी अस्पताल में आज भर्ती मरीजों का बुरा हाल रहा। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर सुबह से समस्त रेसिडेंट डॉक्टर पूर्ण असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए हैं। लिहाजा वार्डों में 24 घंटे सेवा के लिए तैनात रहने वाले जूनियर डॉक्टरों के न रहने से स्थितियां गंभीर हो गई हैं। पूर्ण असहयोग आंदोलन का पहला दिन होने के कारण अभी मरीज और उनके परिजन स्थिति का आकलन कर रहे हैं, लेकिन पहले दिन ही गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए परेशानियाँ खड़ी हो चुकी हैं। इसी प्रकार नर्सेज एसोसिएशन द्वारा भी हड़ताल शुरू किए जाने से स्थिति और गंभीर हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक दोनों मिलकर स्थिति को काबू में रखने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन संभव हो पाएगा इसमें संदेह है। हालांकि जिला प्रशासन भी जूनियर चिकित्सकों और नर्सेज की हड़ताल को लेकर गंभीर है तथा जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कुछ चिकित्सकों को बुलाया गया है। साथ ही कई निजी नर्सिंग होमों के चिकित्सकों को भी आपातकालीन सेवा देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नर्सेज हड़ताल से निपटने के लिए विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों की अंतिम वर्ष की छात्राओं को बुलाए जाने के निर्देश भी प्रशासन द्वारा दिए गए, ताकि हड़ताल में होने वाली अव्यवस्था से निपटा जा सके। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संजय गांधी अस्पताल समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की भारी कमी है। इस कारण संदेह है कि प्रशासन मरीजों को भरपूर सुविधाएं और उनकी पीड़ा को कम करने में सफल हो पाएगा। याद दिला दें कि 6 साल पहले भी जब जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हुई थी तो आधा सैकड़ा के आसपास मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया था। अब भी यदि प्रदेश सरकार नहीं चेतती और हड़ताली जूनियर डॉक्टरों व नर्सों की मांगों का निराकरण नहीं करती तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। हालांकि डीन डॉक्टर APS द्विवेदी कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत के साथ मरीजों की सेवा के लिए तत्पर हैं और पर्याप्त चिकित्सक व नर्सेज मौजूद रहेंगे। हमारे पास 24 डिमॉन्स्ट्रेटर थे नॉन क्लिनिकल जिनको पोस्टिंग कर दी गई और इंटर्न्स जो हमारे पूरे हैं 80 इंटर्न्स वो भी ड्यूटी पे सीनियर रेजिडेंट सारे ड्यूटी पे हैं। असिस्टेंट सर्जन में बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट जो असिस्टेंट सर्जन प्रोफेशन हैं वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं और सभी इमरजेंसी सर्विसेज भी स्टोर हैं। कभी कोई परेशानी नहीं होती, सुबह से हमने 9 बजे से राउंड लिया, कहीं कोई परेशानी नहीं। आउटडोर में भी सब परिवर्तन कर रहा है। हमको समस्या ये है कि बोलते हैं कि हमको भाई पर्ची हमारी बनी हुई है, आप हमको भेज दीजिए, हम पट्टी करवा के चले जाएं अपने घर। तो बोलते हैं चलो बैठो बाहर, जब नंबर आएगा तो हम बुलाएंगे। कितनी देर से बैठा है? 2 घंटा से बैठे हैं। क्या हमारे में स्टाफ नर्स हूँ, संजय गांधी में काम करती हूँ, हमें 7वां वेतन अभी तक मिला नहीं है और सरकार बोल रही है कि अप्रैल 2018 से हमें 7वां वेतन का लाभ मिलेगा, जबकि हम चाहते हैं कि 1 जनवरी 2016 से हमें 7वें वेतन की लाभ मिले। पर्यवेक्षक अवधि हमारी समाप्त हो चुकी है, 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें हमारी पर्यवेक्षक समाप्त होने का कोई लेटर नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ हम लोग चाहते हैं, जो बाकी कर्मचारियों को दिया जा रहा है उस तरह से हमें भी ये लाभ मिला जाए। एक लेटर दिया था जिसमें क्लियर रूप से ये बताया गया था कि दिनांक 19 से हम पहले OPD चालू करेंगे और यदि 23 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में उतर जाएंगे। किंतु क्योंकि शासन की तरफ से हमें कोई भी वहाँ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही कोई लिखित रूप से कोई ऑर्डर दिया गया, जिस कारण हम आज दिनांक 23 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बहुत सारी और भी समस्याएं हैं जिनको हमने उसमें लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ हमें अच्छे से नहीं मिल रही है। बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा हमारी फ़ीस बिना बोले हमारी फ़ीस बढ़ा दी जाती है और स्टाइपेंड बढ़ाने के नाम पर कोई भी वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग आज दिनांक 23 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हम जब तक CM हमें ऑर्डर में नहीं देंगे, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए, रिटर्न ऑर्डर चाहिए। जब तक हमें रिटर्न ऑर्डर CM साहब से नहीं मिलता तब तक हम ये हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। हम सभी नर्सेज एसोसिएशन रीवा की इकाई ने क्रांतीय लोगों ने इसके लिए स्ट्राइक रखी हुई है। शासन ने हम लोगों को जो है 7वां वेतनमान 2018 से दिया है जनवरी से, जबकि सभी जो और शासकीय कर्मचारी हैं उनको 2016 से दिया गया है। तो हम सभी की ये मांग है कि जिस तरह सभी शासन के काम करते हैं वैसे ही हम सभी स्वशासी जिनको कहा गया है वो भी काम करते हैं, इसलिए हमें भी 2016 से जो है तो 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके अलावा जो भी नर्सेज हमारी हैं वो सब
10 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं, जिनको टाइम स्केल समय मान वेतन मान नहीं दिया गया है। तो हमारी ये मांगे हैं कि 10 साल पूर्ण जो अवधि कर चुकी हैं नर्सेज, उनको सातवां वेतन मान का लाभ जो है वो दे दिया जाए। इस बारे में बात करते हैं अपने संवाददाता अनिल त्रिपाठी से। जी अनिल, बताएं ये जो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल है, इनकी क्या मांगे हैं और कौन कौन इनके साथ समर्थन में है? जी शादाब, मैं बताना चाहूँगा संजय गांधी चिकित्सालय के समस्त जूनियर डॉक्टर पूर्ण असहयोग आंदोलन या ये कहिए कि हड़ताल पर चले गए हैं और यहाँ का नर्सेज स्टाफ भी हड़ताल पर है। निश्चित ही अब मरीजों की परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं। जिला प्रशासन ने बाहर से भी डॉक्टर्स व ट्रेनिंग नर्सेज बुलाने का फरमान तो जारी कर दिया है, लेकिन अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं बन पा रही हैं कि वो तत्काल ही यहाँ पहुँच जाएंगे। CMHO और सिविल सर्जन को भी लगातार नज़र रखने के लिए निर्देश दे दिया गया है, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि अगर आजकल में हड़ताल ना ख़त्म हुई तो मरीजों पर आफत आने वाली है। शादाब, मैं बताना चाहूँगा कि जूनियर डॉक्टर अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं नर्सेज स्टाफ 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान दिए जाने की मांग कर रही हैं। अनिल, जैसा कि संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और ये पूरे तरीके से जूनियर डॉक्टरों के भरोसे रहता है, ऐसे में जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल में हैं तो वहाँ मरीजों का क्या हाल है? क्या अस्पताल प्रबंधन ने उनके लिए कोई व्यवस्था की या मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया? जी शादाब, मैं आपको बताना चाहूँगा मेडिकल कॉलेज के डीन और संजय अस्पताल के अधीक्षक दोनों सुबह से ही यहाँ की स्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं और दूसरी ओर मरीज भी यहाँ की स्थितियों को देख रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा 6 साल पहले भी यहाँ हड़ताल हुई थी और लगभग 4 दिन में आधा सैकड़ा मरीज मौत के दरवाजे पर पहुँच गए थे। पूरे वार्डों से मरीज भाग गए थे। फिलहाल अभी तो वह स्थिति नहीं है, पर हड़ताल यदि खिंच गई तो निश्चित ही पहले जैसा ही हो सकता है। धन्यवाद।